तो आप सभी को एक नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉन रोशन। तो यहां पर कृषि विभाग में कुछ बहाली आई है जिसके बारे में इसमें कुछ जानकारी देने वाला हूं कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन पोस्ट पर इसका अप्लाई होगा और कितने पोस्ट के लिए अप्लाई है, और साथ ही साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी यानी कितना से कितना तक होने वाला है। तो मैं इसमें सारा जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही साथ में इसका अप्लाई कब से शुरू होगा इसका मैं सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं शुरू एक करते हैं। पेपर कटिंग लिया हूँ हिंदुस्तान के, उसी के माध्यम से मैं इसमें आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर एक पेपर कटिंग है जिसमें लिखा हुआ था कृषि विभाग में 231 पदों पर शीघ्र होगी नियुक्ति, यानी कि यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर की बात करते हैं, यहाँ पर 231 पोस्ट है जिसमें यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। लिखा बिहार में सहायक निर्देशक स्तर के 231 पदाधिकारी की नियुक्ति शीघ्र होगी। कृषि विभाग के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, आत्म सहायक निर्देशक, सस एवं समकक्ष पदों पर इसके पहले वर्ष 1990 में राजपत्रित स्तर से पदाधिकारियों के रूप में सीधी नियुक्ति की गई थी, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर 1990 में भर्ती लिया गया था। यहाँ पर इसके बाद कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि कृषि विभाग में राजपत्रित पदाधिकारी में कमी अब नहीं रहेगी। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 231 पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की अनुशंसा कृषि विभाग में भेज दी गई है। इन 231 उम्मीदवारों की चारित्रिक जाँच प्रक्रियाधीन है और शैक्षिक प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं चरित्र जांच के उपरांत इन्हें विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र शीघ्र प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि विभाग द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में राजपत्रित पदाधिकारियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी, यानी कि हो सकता है आपको मार्च से अप्रैल तक आपसी को इसमें बहाली आ जाएगी। और साथ ही इसमें एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पर इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, इसमें ये बताया नहीं गया है कि इसमें आपको इसमें कितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए और कब से इसका स्टार्टिंग होने वाला है। तो यही थी छोटी सी अपडेट। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा तब तक मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको नोटिफाई कर दूंगा जब से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा।